सभी को यू3जी लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति से कुछ सेंटर इंचार्ज आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 4 करते हैं। देखें भाई, पहले 5 देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सभी कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, चतुर्भुज लेते हैं पहले कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज कैसी है। भाई कोई भी मान लो ऐसी समांतर चतुर्भुज है जो हमारे पास ए बी सी डी है, इसमें ये तो इसके बराबर है, ये समभुजाएं बराबर होती हैं और ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन थी उसमें कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तीसरा था उसमें कि जो आसन कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आसन कोणों का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 3:2। तो हम मान लेते हैं कि माना समांतर चतुर्भुज का, देखो आसन कोण में होता क्या है, एक रेखा पे दो कोण, एक इस साइड एक इस साइड। तो मान लेते हैं एक आसन कोण ये ले लिया और एक आसन कोण हमने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से कोण ए और कोण बी क्या हो गए, आसन कोण, और इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। जब हमें इससे पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में अनुपात की क्वेश्चन करके गए थे, तो हम क्या करते थे, अनुपात के साथ एक्स ले लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि अनुपात कहीं ना कहीं किसी से कट के आया होगा, जरूरी नहीं है कि वो अनुपात अपने में खुद एक डिजिट हो, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माना समांतर चतुर्भुज में कोण ए कितना आ जाएगा, भाई यहाँ 3 है तो कोण ए कितना आ जाएगा, 3x, तथा दूसरा क्या आ जाएगा भाई, दी समांतर चतुर्भुज में कोण बी क्या आ जाएगा भाई, 2x, ठीक है। आसन कोणों का जोड़ नहीं होती है, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में मिलते हैं। आसान
रखती हूँ यू3 जी लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि और अच्छे से हम समझा पाएं। धन्यवाद।